स्थापना की, तत्कालीन मुख्यमंत्री रणजीत सिंह ने गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की बात हुई तो 2007 से आंदोलन शुरू हुआ कि बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसके लिए यहाँ पर आंदोलन हुए, दिल्ली में नागरिक संघर्ष समिति के माध्यम से प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष होते थे और हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया, सभी मंत्रियों से मिले, अर्जुन सिंह जी से मुलाकात हुई और 2009 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया। उस समय हम सबकी मंशा थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद स्थानीय लोगों को पढ़ाई में फायदा होगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लेक्चरर आएंगे, अच्छा शिक्षा का माहौल बनेगा, अच्छे कुलपति आएंगे। पर लगातार ये देखने पर आ रहा है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक शिक्षा माफिया का केंद्र हो गया है। वहाँ की जो कुलपति हैं वो लगातार उसको आरएसएस का गढ़ बनाने के लिए लगी हुई, शिक्षा का बुरा हाल है, स्थानीय लोगों को कोई वहाँ पर शिक्षा का माध्यम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है तो हमारे स्थानीय लोगों में पात्रता होने के बाद भी वो पता नहीं बाहर से कहाँ कहाँ से यूनिवर्सिटी में भर्ती कर रही है और भर्ती में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे कोई 18 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख रुपये देकर अपनी नियुक्तियाँ करा रहा है। हमारा केवल एक ही मत है कि हमने इस यूनिवर्सिटी को बहुत खून पसीने से सींचा है। इसके लिए हमारे पूर्व के छात्र संघ अध्यक्षों ने, छात्र संघ के नेताओं ने बहुत लड़ाई लड़ी इस विश्वविद्यालय को लाने के लिए। अब हम इस विश्वविद्यालय को आरएसएस का गढ़ नहीं बनने देंगे, स्थानीय लोगों को वहाँ पर शिक्षा का केंद्र बना सकें, स्थानीय लोगों को रोजगार दिला सकें और बाबा गुरु घासीदास के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय। आंदोलन किस प्रकार का होगा? आंदोलन किस प्रकार का होगा? कल हमारे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भवन गंगोत्री जी के और हमारे सभी भवन गंगोत्री और रंजीत भाई के नेतृत्व में कल पहले घेराव होगा, उसके बाद एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और लगातार ये आंदोलन चलेगा ताकि भ्रष्ट कुलपति को इस विश्वविद्यालय से बाहर करा सके। जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय से